फिलहाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है। वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस हुए सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए सरकारी मुलाजिम है, टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बात। बिना विलंब किए उस मंत्री को बर्खास्त करनी चाहिए और फिर जितनी भी ईडी ने पत्र लिखा उस पत्र के आलोक में एफआईआर करने के आदेश दे और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराना। और ऐसा ना हो कि बुढ़ापा में चंपई सोरेन जी फिर जेल के चक्की पीसे, तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो हेमंत सोरेन के वो टूल्स नहीं बने, कार्रवाई करे, भ्रष्टाचारियों को बचाने की वो कोशिश ना करे। अभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है, आलमगीर के घर से। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए? तेजस्वी यादव जी पहले इसका जवाब दो कि पिछड़ो। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये झूठी फैक्ट्री है, रोज नया प्रोडक्ट बना के ये मार्केट में डालते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं और देश की शांति को भंग करना चाहते हैं।